शिवाय नमस्ते दैन वेलकम टू माय चैनल कमलू स्कूल एंड आर्ट। तो देखिए गाइस, ये मेरे 0 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है। आज मैं इसकी कैप बनाने जा रही हूँ। तो चलिए कैप कैसे बनाते हैं, पहले हम ये मैजिक सर्कल बना लेंगे। मैजिक रिंग बना लिए ये हमने, इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गई है, लॉक हो गई है। हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे जिससे कि हमारा ये छोटा हो जाए। काउंट करते कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ये हमारे। अब हमें इसको 0 नंबर लड्डू गोपाल की है इसलिए 8 ही हाफ डबल क्रोशिया करेंगे हम इसमें। अब देखिए हम स्लिप स्टिच कर देंगे गैस। तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट करते हैं वहीं पे स्लिप स्टिच कर देते हैं। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई गैस। अब एक चैन लेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया करते जाएंगे, एक बार और इसी में लेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। अब नेक्स्ट में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करा, फिर इसी चेन में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करा, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसी चेन में हम एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे गाइस। हम इस वाली रो में एक में सिंगल डबल क्रोशिया करते हैं चेन में, फिर दूसरी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक में एक बार और एक में दो बार ऐसे करके सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। एक बार हो गए। अब देखिए गैस, हमने ये यहाँ से स्टार्टिंग करा था तो अब हम सिल्प स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब एक चैन लेंगे, अब एक एक वाली, अब ये हमारा दूसरा राउंड है गैस। तो हर चेन में हम एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे इस तरीके से। पहले राउंड में हमने एक में दो, एक में एक इस तरीके से करा था। अब इस राउंड में गाइस हम हर चेन में एक ही एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इस तरीके से देखिए, अब हमने ये यहाँ से स्टार्टिंग करा था तो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच कर देते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वहीं स्लिप स्टिच कर देते हैं गाइस। अब इसको हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। अभी हमारे 2 राउंड हो गए। अब एक चैन लेंगे और जहाँ हमने चेन ली थी उसी वाले राउंड में एक बार ले लिया, इससे नेक्स्ट में भी एक बार ले लिया, फिर इससे नेक्स्ट में एक बार ले लिया। कई समय इस तरीके से उल्टा कर लेते हैं तो आसान हो जाता है बनाने में, क्योंकि जो हम सिंगल डबल क्रोशिया ले रहे हैं वो एकदम क्लियरली दिखती हैं।
इस तरीके से हमें ये चार राउंड करने हैं गाइस। पहले वाले राउंड में हमने एक में एक और एक में दो लिया था, उसके बाद तीन राउंड में हमें हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये मेरा तीसरा राउंड है गाइस, स्किप नहीं कर रही हूँ मैं। जीरो नंबर लड्डू गोपाल की है ये, इसलिए गैस मैं इसमें केवल तीन राउंड ही करूँगी क्योंकि ये फिर बड़ा हो जाएगा। तो गैस अब हम जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं एंड पर आ गए हैं। देखिए ये राउंड अगर आप तीन की जगह चार करना चाहो तो भी कर सकते हो, जो मैं ये राउंड बना रही हूँ। अगर आपके पास जीरो नंबर लड्डू गोपाल हों उनको कैप पहना के दिखा दीजिए, जैसे ही उनके सिर पे आ जाती है। देखिए अब मैं यहाँ पर सिल्क स्टिच कर दूंगी क्योंकि मैंने ये यहीं से स्टार्टिंग करा था। देखिए एक चैन लूंगी और कट कर दूंगी। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। देखिए अब इस वाली कैप को काटने से पहले आप अपने लड्डू गोपाल को इस तरीके से उनके सिर पर रख के देख लीजिए उनके सिर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जैसे ही अगर आ जाती है तो आप इतना बड़ा ही बनाइए, और अगर नहीं आती है तो फिर एक राउंड और बढ़ा दीजिए इसमें, यहाँ तक कर दीजिए। जैसे मैंने अभी ये तीन राउंड लिए हैं, आप इसकी जगह चार ले लीजिए, पाँच ले लीजिए, ये आपके अकॉर्डिंग है क्योंकि आपके पास जिस साइज की आप बनाना चाहते हो। अब मैं इसमें ये वाली जो डिज़ाइन डली हुई है मैं ये डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी आपको गाइस। थोड़ा सा टाइट जाता है अंदर, कुर्सी अंदर घुसती नहीं है। इस तरीके से लॉक कर दी हमने। एक बार और सेम इसी चेन में हम एक बार और एक चेन में हमें गाइस दो दो बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए एक में ले ली, अब इससे नेक्स्ट वाले में हम इसे नेक्स्ट वाले में एक बार लेंगे, एक बार ले ली, तो इसी चेन में हम एक बार और लेंगे। इस तरीके से दो बार हो गई हमारी, ऐसे फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही करेंगे एक बार, और इसी होल में फिर एक बार और लेंगे। इस धागे को साथ में ही लेते हुए आएंगे जिससे कि ये निकले नहीं। एक बार हो गई सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए
इसी होल में एक बार होल लेंगे। ऐसे ही हम पूरा राउंड करेंगे। देखिए इस तरीके से आएगा बना हुआ। हर चेन में हमें दो दो बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है। सिंगल डबल क्रोशिया है गाइस, इसलिए थोड़ा सा टाइट जाती है हमारी क्रोशिया अंदर, ऊन के अंदर थोड़ा सा टाइट जाती है गाइस, क्योंकि ये सिंगल डबल क्रोशिया है तो जल्दी से जाती नहीं है। इस तरीके से हम हर चेन में दो दो बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे, जैसे मैं करती हुई आ रही हूँ गाइस। स्किप नहीं कर रही हूँ, आपके सामने बना के दिखा रही हूँ गाइस। इस तरीके से कुछ लुक आ रहा है हमारा। देखिए गाइस, ये हमने यहीं से बनाना स्टार्ट करा था। तो अब हम यहीं सिल्क स्टिच कर देंगे। अब हमारी ये सिल्क स्टिच हो गए गाइस। देखिए सिल्क स्टिच हो गई, इस तरीके से आया है। अब इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब मैं ऐसे डिज़ाइन डालूंगी इसमें ब्लैक कलर से। सबसे पहले मैं नॉट लगाऊंगी। इस तरीके से ये नॉट लग गई हमारी। इस सफ़ेद धागे को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो देखिए मैंने ये नॉट लगा के तैयार कर ली। अब इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार होगी, ये सफ़ेद धागा भी हम इधर से ही ले लेंगे। अब इससे एक इसको छोड़ के नेक्स्ट वाले में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक बार और इसी होल में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसी होल में एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, एक चेन में मैं दो बार हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ, फिर एक चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करती जा रही हूँ। इस तरीके से हर चेन में मैं दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ और एक चेन बीच में स्किप कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी बना सकते हो गाइस। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसी लग रही है ये कैप हमारी, जिससे कि हमें भी पता चले कि हम अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं आप लोगों को। इस तरीके से आप भी बना सकते हो गाइस। एक चेन में दो बार और एक चेन स्किप करने के बाद में। ये 0 नंबर लड्डू गोपाल की है कैप। आप इससे बड़ा साइज भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो मेरे चैनल पर सब तरीके की वीडियो अपलोड है, तो आप वहां जाकर चैनल सब्सक्राइब करोगे
तो सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी और मेरे चैनल पर जाके आप देखोगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी गैस। तो ये हमारा राउंड हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके दिखाती हूँ। तो जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे गैस। तो ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। एक चैन लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी कैप इस तरीके से बन के आई है गैस। देखिए, जीरो नंबर लड्डू गोपाल की कैप है, ये देख सकते हैं। अब देखिए, इस वाले धागे को हम गैस अंदर ही छिपा देंगे या फिर निडिल में डाल के इसे सिल सकते हो अंदर की तरफ। और अगर नहीं सिलना चाहते हो आप, देखिए इस तरीके से उल्टा कर लीजिए इसको। एक तो ये वाला धागा होता है, इसमें आप गांठ लगा सकते हो, आसान है इस तरीके से। तो ये नहीं दिखेगा। अगर आपने कटिंग कर दी, इसकी काट दिया, तो कटा हुआ निकलने का डर रहता है। कभी कभी नहीं निकलता, कभी कभी निकल जाता है इस तरीके से। देखो, हमने ये गांठ लगा दी इसमें, ठीक है। अब इसको हम कट कर देते हैं तो ये निकलेगा ना। और एक तरीका होता है कि हम इसको निडिल में, बड़ा धागा काटने के बाद में निडिल में डालने के बाद जो ये लुक दिख रहे हैं ना हमारे इधर से बैक साइड से, तो यहाँ सिल देते हैं। इधर फ्रंट पर ना दिखे, पीछे वाले में लुक सिल देते हैं। और एक ये हमने गांठ लगा दी, अब इसको सीधा कर देंगे, ये हमारा कुछ नहीं दिखेगा। देखिए, तो चलिए गाइस, बताना मुझे मेरी कैप कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।